सुबह के नाश्ते में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग हर बार इसी रेसिपी को बनाना चाहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे केले से। तो आप लोग बहुत पसंद करेंगे, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है केला, मैंने 3 कच्चे केले लिए हैं और 2 मैंने आलू लिया है। तो ये दोनों को मिक्स करके हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो पहले तो हम केले को बीच में से कट कर लेंगे और कुकर में हम इसको डालेंगे। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। एक बार ट्राई करिए और आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे आलू को भी बीच में से कट कर लिया है, थोड़े से बड़े वाले हैं। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी 1 से 2 कप के करीब और कुकर में हम ढक्कन लगा लेंगे और इसको हम गैस पे डाल देंगे और गैस ऑन करेंगे और इसे हम 1-2 सीटी लगा लेंगे। तब तक हमारा यहाँ केला आलू पक रहा है, तब तक हम लेंगे प्याज को चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में प्याज ले लिया है, इसे रफली चॉप करके डाल देंगे। तो 2 से 3 प्याज मैंने यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हरा मिर्ची। हरा मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरा मिर्च ली है, इसे मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ले लेंगे धनिया पत्ता, इसे भी हम काट करके डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके ढक्कन लगाएंगे, अब हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब चलिए इसको साइड कर लेते हैं और मैंने गैस भी ऑफ कर दिया है। कुकर में देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर आलू और केला अच्छे से गल गया है। अब इसका पानी निकाल लेंगे और ठंडा करके हम केला को छील लेंगे अच्छे से, केले और आलू दोनों को छील लेंगे। और पहले हम केला को अच्छे से मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। और यहाँ पे अच्छे से मैश हो गया है। मैश होने के बाद चलिए हम इसको साइड कर लेते हैं और साइड करने के बाद हम इसी बोल के अंदर आलू भी छील करके इसको भी मैश कर लेंगे साथ में ही। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है, अब इसको हम मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद दोनों हम आलू और केला दोनों को थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। तो यहाँ पे हम डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज, हरा मिर्ची और धनिया पत्ता। इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपका नाश्ता जो बनेगा केला और आलू का। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है और मैंने यहाँ पे ले लिया है लहसुन की 2 कलियाँ और इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, ज़रूर ट्राई करिए इस तरीके से केले और आलू का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। अब मैंने यहाँ पे डाल लिया है 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, 1 चम्मच आएगा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, इसे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब लिया है यहाँ पे चावल का आटा। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बेसन लिया है मैंने, इसे बहुत ही अच्छा आपका कलर आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है नाश्ते में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर, 1 से 2 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर तिल वाइट वाला, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसे भी ज़रूर डालें। और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच के करीब नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपके नाश्ते में। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लगे कि हल्का सा ये गीला हो गया है आपका ये नाश्ते वाला डो, तो इसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच आप चावल का आटा या फिर बेसन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे आपका डो जो है थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, इसको रख देंगे और साइड करेंगे। और मैंने यहाँ पे हाथों में हल्का सा तेल लगा लिया है, तेल लगाने के बाद आप इसे टिक्की के शेप में बना लीजिए। आप चाहे तो थोड़े से बड़े भी बना सकते हैं या फिर छोटे भी बना सकते हैं। आप इसे चाहे तो छोटे छोटे आप इसे बना करके आप इसको तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से मैं यहाँ पे टिक्की के शेप में बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप बड़े छोटे अपने हिसाब से आप बना लीजिए। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ले लिया है, हल्के से हाथों से दबा करके इसको फैला लेंगे अच्छे से। अब इसी तरीके से हम सभी टिक्की को अच्छे से बना करके एक प्लेट में हम साइड कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से बना लिया है, साइड कर लिया है। अब चलिए इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन और पैन के अंदर हम डालेंगे हल्का सा तेल डाल देंगे इसके अंदर। तेल को जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डाल देंगे एक एक करके हम सभी टिक्की को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इस तरीके से आपके नाश्ते की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है आपको और बनाएंगे बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। तो जैसे कि देख रहे हैं एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इस तरीके से हम अच्छे से इसको उलट पुलट करके अच्छे से हम इसको क्रिस्पी करके अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ठंडे के टाइम है, अच्छे से बनाइए और इन्जॉय करिए इस रेसिपी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर बनकर देख सकते हैं कि रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है देखने में ही, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जितने भी हम बनाएंगे उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे
और इसी तरीके से हम निकाल करके एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे बनकर रेडी है और इसे गर्मा गर्म इसे इंजॉय करिए। आप इसे चटनी के साथ इसे सर्व करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है, जैसे कि देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और इसे गर्मा गर्म आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अपने घरों में बच्चों के साथ। तो इंजॉय करिए इस रेसिपी को, पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।